बर्तन धोने का रोना तो हम सबके घरों में ही होता है। अगर मेड नहीं आ रही होती है तो भाई घर में तबाही मच जाती है। डिश वॉशर घर के लिए लेना नहीं लेना, स्पेशली इंडियन किचन के लिए, ये हमारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। आइए आज इस वीडियो में देखते हैं कि ये जो डिश वॉशर है ये हमारी इंडियन किचन के लिए सही है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विट चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, जो हमारा रोजमर्रा का काम आसान करते हैं। वीडियो यूजफुल लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल बटन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक दीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आप ये डिश वॉशर या कोई और ब्रांड का डिश वॉशर अपनी इंडियन किचन में यूज़ कर रहे हैं और आपके लिए अगर हेल्पफुल है ज़रूर शेयर कीजिए। डिलीवरी आपने देख ली है, डेमो और इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको वेजल्स पे यहाँ पे रखना है मैडम। अगर बिग पैंस हैं तो इसको फोल्ड करके आप उल्टा रखना है। ठीक। ऐसे यहाँ पे स्पून स्ट्राइट भी रख सकते हैं या तो फ्लैट भी रख सकते हैं। ठीक है। ओके, रखने के बाद एक बार इसको घुमा के देख लेना है कि कहीं कोई आइटम टच हो नहीं रहा है। ठीक है। इसके बाद आपको ये डिटर्जेंट के लिए अच्छा। यहाँ पे देखिए 15 हाँ। हाफ लोड है तो, फुल लोड है तो 25। यहाँ से पावर ऑन बटन, पावर ऑन करेंगे ये पहला ही प्रोग्राम इको सेलेक्ट करेगा। ठीक है। इको यानी इसमें वाटर कंजर्वेशन और पावर सेवर रहेगा। हाँ। टाइम थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। इसमें ऑयल वेजल सब कुछ आप स्टोर कर सकते हैं, घी का, कढ़ाई का, पनीर का, कुछ भी हो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर मिल्क वेजल है तो थोड़ा सा रब करना है, थोड़ा सा जला हुआ है तो उसको रब करना है, पहले से प्री वॉश करके रखना है वेजल को। ये प्रोग्राम बटन अगर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे प्रोग्राम चेंज हो जाएगा, जैसे कि फास्टर प्रोग्राम 1 आवर का। नेक्स्ट आएगा आपको ग्लास वेजल, जो भी ग्लास है उसके लिए। नेक्स्ट आएगा ये प्री रिंस के लिए। नेक्स्ट आएगा आपको ये इको नहीं रहेगा, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जैसे कि ऑयली सब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा ऑटो, ऑटो यानी आपने पूरा वेजल मिक्स करके रख दिया है, आपको को सेलेक्ट करने के लिए पता नहीं लग रहा है कि कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना, इसे इको चाहिए या ग्लास चाहिए या कौन सा भी चाहिए, तो ये ऑटो सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटो सेट हो जाएगा। यहाँ पे ये रैक्स हैं, हाई एंड लो। अगर मान लीजिए आपको हाई रैक ही वॉश करना है। अच्छा, ये हाफ लोड वाला हो गया। हाफ लोड वाला। अच्छा, बट इसमें टाइम ये इतना ही लेगा, मतलब प्रोग्राम हमें यहाँ से सेट करना है और अपर और नीचे का यहाँ से सेट करना है। सेट करना है। ओके, यहाँ पे ये टाइम डिले, यानी अभी आपने लोड कर दिया, टाइम डिले इसका 1 आवर का सेट करके स्टार्ट करेंगे तो मशीन आफ्टर 1 आवर के बाद स्टार्ट होगी। ठीक है। मिनिमम 1 आवर, मैक्सिमम आप टाइम सेट कर सकते हैं, अप टू 19 to 20 आवर्स तक। ओके, अच्छा, वो सेम जैसे वॉशिंग मशीन में होता है। 21, 22, 23, 24 आवर्स टेम्परेचर हम सेट नहीं कर सकते हैं ना, ऑटो में नहीं कर सकते। और किसी साइकिल में हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये लॉक का क्या है? लॉक यानी आपको ये कंट्रोल पैनल लॉक करना है तो इसको 3 सेकंड होल्ड करेंगे, चाइल्ड लॉक हो जाएगा। अच्छा, चाइल्ड लॉक। ठीक है। आपने कौन सा भी प्रोग्राम सेलेक्ट करना था, दूसरा सेलेक्ट कर दिया, तो रीसेट करना हो तो इसको 3 सेकंड करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आप ऑटो में रख के स्टार्ट किया तो नेक्स्ट डे आप पावर ऑन करेंगे तो सीधे ऑटो में आ जाएगा। हर 15 डेज में एक बार थोड़ा सा विनीगर इसमें स्पीड में 1 आवर का साइकिल रख के स्टार्ट करना है। विनीगर को डायरेक्ट ड्रम में डालना है। ऑटो के साइकिल में रखना है? नहीं, स्पीड 1 आवर का स्पीड प्रोग्राम, ये वाला। अच्छा, अब जैसे विनीगर वॉश करेंगे, स्टार्ट कर दिया आपने, थोड़ी देर के बाद इसको पॉज कर लीजिए, या तो डायरेक्ट डोर को ओपन करना है तो ऐसे ओपन करके थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद विनीगर को ऐड करना है, फिर क्लोज करना है, तो क्लोज करने पे वो ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। डिश वॉशर की डिलीवरी आपने देख ली, डेमो देख लिया, इंस्टॉलेशन देख लिया। यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखा रही हूँ डिश वॉशर के डिफरेंट प्रोग्राम्स का, जो कि हमें टेक्निकल भैया ने बताया है, तो वही सारे प्रोग्राम्स मैं आपको बता रही हूँ जिनमें हीट सेटिंग्स, पानी की हीट सेटिंग्स डिफरेंट तरीके की होती हैं। यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे, जो पानी की पाइप इसमें लगती है, कनेक्टर जो लगता है वो इस तरीके का थ्रेड कनेक्टर लगता है। ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल हमारी वॉशिंग मशीन का है, फ्रंट लोड, और बाकी मशीन्स में यही वाला लगता है। और जो ग्रे वाला आप देख रहे हैं वो डिश वॉशर का है। सो मेरी जो वाटर पाइप की इनलेट आउटलेट सेटिंग हुई है वो कुछ इस तरीके से हुई हुई है। डिश वॉशर से रिलेटेड आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप डिश वॉशर परचेज करना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले डिश वॉशर लोड कर लेती हूँ और साथ ही मैं अब आपको बताती हूँ अपना यूजर एक्सपीरियंस आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ यूजिंग सैमसंग डिश वॉशर।
ये थी सैमसंग डिश वॉशर की नॉइज ड्यूरिंग फुल रनिंग साइकिल। इसकी नॉइज ज्यादा नहीं है कंपैरेटिव टू अदर डिश वॉशर्स। सो गाइज, ये है इंटेंसिव वॉश आफ्टर 3 आवर्स और 3.5 आवर्स। दिस इज द कंडीशन। एंड यहाँ पे आप छन्नियाँ देखो, इनमें ये उभर के आ गया बिल्कुल। आई मीन मुझे अभी हाथ से साफ करना पड़ेगा, जो जमा हुआ था इसमें से निकल के आ गया है। मैं दिखाती हूँ, और छन्नी नीचे से साफ है, सो ये मुझे साफ करना पड़ेगा। मैल निकल के आ गई है, एक्चुअली जो जमा हुआ होता है सब निकल के आ गया है। सो ये देखो, उफ, दिस इज हॉट। ओके, सो ये कढ़ाई मेरी काफ़ी ज़्यादा फ्राइंग के लिए यूज़ हुई है, बट कढ़ाई में कुछ भी ऑयल नहीं है। ये देखो आवाज़, देखो कढ़ाई में कुछ भी ऑयल नहीं है। ये एक्चुअली मुझे विनेगर से साफ करनी पड़ेगी, बट डिश वॉशर ने अच्छे से साफ कर दी है। ये ऑयल वगैरह सब निकल चुका है इस पे से। चाय के दाग नहीं निकालता यार ये। ये देखो, नोप, चाय के दाग नहीं निकालता। वॉशिंग क्वालिटी आपने देख ली है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, जब आप डिश वॉशर यूज़ कर रहे हो, अगर आपको इसका ड्रेन पाइप इस तरीके का लगता है जहाँ पे कूड़ा जाता है, तो उसको साफ करना ज़रूरी है। वैसे आप अगर इसको वंस इन अ मंथ करते हैं तो बिल्कुल सही है। बाकी डिश वॉशर्स में ऐसा नहीं होता, बट सैमसंग डिश वॉशर में ऐसा है कि रिंस एट कितना डिस्पेंस होना है उसकी यहाँ पे क्वांटिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेवल्स हैं, उसमें से आप कितनी भी लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी हिसाब से रिंस एट आपका डिस्पेंस होगा ड्यूरिंग द साइकिल जो आप वॉशिंग साइकिल लगा रहे हो। बाकी डिश वॉशर्स में मैंने ऐसा नहीं देखा है। बाकी यहाँ पे जाती है टैबलेट, और जो आप ब्लू बटन देख रहे हो, इसको क्लिक करने से, दबाने से इसका जो सॉकेट है वो ऑन हो जाता है। और जो डिटर्जेंट लेवल्स हैं वो आपको पता ही होंगे, 15 इज द हाफ लोड लेवल और 25 इज द फुल लोड लेवल। ये डिश वॉशर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और इसी के साथ मैंने डिश वॉशर का स्टैंड भी ऑर्डर किया था। मेरी वॉशिंग मशीन के नीचे भी ऐसा ही सेम स्टैंड देख रहे हो। ये एडजस्टेबल है, चौड़ा लंबा किसी भी तरीके से हो सकता है। सो आप ये ऑनलाइन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, डिश वॉशर स्टैंड दोनों के लिए। ये सैमसंग का डिश वॉशर टॉप मॉडल है, और इसमें ऑटो इजेक्ट डोर ऑप्शन है। साइकिल कंप्लीट होने पे जैसे 24 सेकंड्स हो रहे हैं, ये अपने आप डोर ओपन कर देगा। इट्स ओपनिंग, यू कैन सी यहाँ पे गैप आ गया। ओप्स, मैं डर गई। हाँ, तो ये 24 सेकंड पे ओपन हो गया है, काफ़ी सारी स्टीम निकल रही है। मैं अभी जा रही हूँ, सो थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। यूज़र एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको कुछ फोटोज़ और वीडियोस दिखाने वाली हूँ, बाकी यू आर द बेस्ट जज। आपको ये लेना है नहीं लेना, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। सो ये है कंडीशन मेरे डिश वॉशर की आफ्टर 1 मंथ ऑफ यूज़। और इस डिश वॉशर में अपने आप जो इसका पैनल था फेड हो गया था। ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं, ये टेक्नीशियन ने ही करी है, उसने और ज़्यादा इसको घिस दिया ठीक करने के लिए, जिससे कि वो और ज़्यादा ख़राब हो गया, और बाद में उन्होंने इस चीज़ को ओन भी नहीं किया है। मेरा यूज़र एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस जो सैमसंग के साथ था, वो अच्छा नहीं था। उन्होंने हर चीज़ में डिनाई किया है कि उनकी मशीन ठीक काम कर रही है, या फिर जो पैनल ख़राब हुआ है उन्होंने सीधा डिनाई कर दिया कि हम ये चेंज नहीं कर सकते। अब आते हैं इसकी क्वालिटी पे। बॉडी इसकी थोड़ी सी हल्की है, इस तरीके के प्लास्टिक पार्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ये कटलरी स्टैंड है इसका, जिसमें कि आप वाइन ग्लासेस वगैरह भी लगा सकते हैं। स्टैंड की क्वालिटी आप देख रहे हैं कितने ईजिली हिलडुल रहा है। या आप ज़रा सा हाथ मारेंगे तो बाहर निकल के भी आ जाएगा। इसमें आप स्पूंस वगैरह बहुत अच्छे से टक कर सकते हैं, बट जो इनके स्पाइक्स हैं, ये जस्ट 1 मंथ का यूज़ है जो आप डिश वॉशर को देख रहे हैं, ठीक है। रैक्स जो हैं इसके एडजस्टेबल हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऐसा कुछ लिवर दिया हुआ है जो कि आजकल डिश वॉशर्स में आता ही है। सो ईजली मूवमेंट है अप एंड डाउन करने के लिए। अगर आपको लोअर रैक में ज़्यादा जगह चाहिए तो आप अपर वाला रैक और ऊपर कर सकते हैं, हाइट एडजस्टेबल है। एक चीज़ बड़ी अनॉइंग थी, जब मैं इस डिश वॉशर की कंप्लेंट IVR में कर रही थी, सैमसंग ने डिश वॉशर को अपनी मेन लिस्ट में रखा ही नहीं हुआ, अदर्स में रखा हुआ है। ये अप्लायंस इनकी मेन लिस्ट में आता ही नहीं। चलिए अब एक लोड सेट कर लेते हैं, फुल लोड सेट करते हैं। और इसमें मैंने सब टाइप के डिटर्जेंट्स यूज़ कर लिए हैं, फ्रॉम फॉर्च्यून टू फिनिश टू विम। मैं एक और वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैंने एक नया डिटर्जेंट आपके साथ रिव्यू किया है, नेक्स्ट वीडियो वही आने वाली है। सो यहाँ पे मैं फॉर्च्यून की टैबलेट इसमें डाल रही हूँ। अगर टैबलेट आप यूज़ कर रहे हैं, आपको रिंस एट और सॉल्ट एक्स्ट्रा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 स्टैंड्स आते हैं, एक सबसे टॉप पे होता है, एक मिडल में है, और एक जो है सबसे बॉटम पे है। मैं नॉर्मल टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, मैं इसके स्पिन हैंड्स या फिर स्प्रे आर्म्स जैसी टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, सो दैट आपको भी समझ में आ जाए जिनको नहीं पता। ये सारे इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जिसमें से मैं इंटेंसिव सिलेक्ट करके टैब का ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ। डिश वॉशर अगर आप अपने घर में ला रहे हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप इसमें चीप प्लास्टिक, इस तरीके का प्लास्टिक नहीं डाल सकते हैं।
सीजनिंग की बॉटल्स होती हैं, जैम की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक की कोई भी चीज़ है जो कि आपको लगता है कि बहुत हल्की है, वो आप यूज़ मत कीजिए। इस डिशवॉशर में एक इस तरीके का रैक आता है, आई डोंट नो क्या सोच के इन्होंने ये रैक बनाए, इट्स ऑफ नो यूज़। अब आप देखोगे कितनी ज़्यादा स्पेस ले रहा है, इसके नीचे सिर्फ कटोरियाँ आ सकती हैं और इसके ऊपर भी सिर्फ कटोरियाँ आ सकती हैं। इवन अगर मैं इसको बंद भी कर देती हूँ ना, तब भी मैं यहाँ पे कप्स या कोई बड़ी ग्लासेस वगैरह नहीं रख पा रही हूँ, वो टेढ़े स्लांट हो जाते हैं और उनसे स्पेस जो है वो कम हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे कप रखती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बंद नहीं होगा और दूसरा ये है कि कप गिरने का चांस होगा बिकॉज पीछे जो रैक है वो इतना ऊंचा नहीं है। पता नहीं क्या सोच के इसका डिज़ाइन इन्होंने इस तरीके से रखा है। तो ये जो डिज़ाइन है ये एक फ्लॉ है, ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता, इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है। सो यहाँ पे आप ये एस ऑप्शन देख रहे हो, जब ये इस तरीके का एस ऑप्शन आ जाता है तो इट मीन्स कि आपको इसमें सॉल्ट रीफिल करना है। इन केस ऑफ अ पावर कट, जैसे अभी यहाँ पे ट्रिप हुआ है, सो ये साइकिल वहीं से रिज्यूम कर रहा है जहाँ पे पावर कट हुआ था, जितना टाइम हो चुका है वहीं से साइकिल रिज्यूम हो रहा है। सॉल्ट ये मांग रहा है, दो आप इसमें टैब जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपको सॉल्ट रीफिल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रिंजेड रीफिल करने की ज़रूरत है। मैं आपको ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, ऐसे गैजेट्स अपने घर में लाइए जिनके आप मल्टी यूजेस मल्टी फंक्शंस निकाल पाएँ। डिश वॉशर में मैंने फ्रिज के पार्ट्स तक वॉश किए हैं, फ्रिज की ट्रेज वॉश करी हैं, बट हाँ ज़्यादा अच्छी वॉश नहीं हुई है। इसके लिए मैंने सबसे जो इजी एक्सप्रेस साइकिल या फिर जो बेबी क्लीन साइकिल होता है बेबी यूटेंसिल्स के लिए, वो यूज़ किया है। क्लीनिंग क्वालिटी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हुई है। ट्रेज मैं इसमें वॉश करती हूँ, इसमें मैं चीप प्लास्टिक यूज़ करती हूँ, बट अगेन उसकी सेटिंग के लिए मैं दूसरा सेटिंग यूज़ करती हूँ, इंटेंसिव या ऑटो सेटिंग आप यूज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे डिशवॉशर अभी स्टार्ट हुआ था और मैं इसको बीच में ही ओपन कर रही हूँ, ये देख रहे हो इसमें पानी चल रहा था, अभी बंद हुआ है एंड अब मुझे पानी की आवाज़ आ रही है। सो ये जो प्रोग्राम साइकिल है, वॉश प्रोग्राम साइकिल, ये यहीं से रिज्यूम कर रहा है, दोबारा रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी अगर ये टाइम कम होता है। आई कैन फील द वाटर, पानी अंदर चल रहा है, ये देखो टाइम कम हो गया, टाइम और कम हो गया, बट अभी भी इसके फैंस अंदर स्टार्ट नहीं हुए हैं, अब स्टार्ट हुए हैं। हल्का हल्का इन्होंने स्प्रे करना शुरू कर दिया, आपको आवाज़ आएगी। फ्रिज की ट्रेज़ या फिर आपकी प्लास्टिक ट्रॉलीज़ की ट्रेज़ जो डिसमेंटल हो जाती हैं, अगर आप वो वॉश कर रहे हो, एक बारी में वॉश नहीं कर पाओगे, उनको अलग अलग करके आपको वॉश करना पड़ेगा। और अगर आपके कोई बर्तन जल गए हैं, उनको रेपिटेडली आप डिशवॉशर में डालिए, वो लूजन अप होकर आप उनको अच्छे से स्क्रब कर पाएंगे। अब चलते हैं वॉश क्वालिटी की तरफ, मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द थिंग्स। अगर ये ग्लास के बर्तन चमका नहीं पा रहा है तो गॉड नोज़ कि ये डिशवॉशर क्या कर पाएगा। एंड माई कस्टमर एक्सपीरियंस विद सैमसंग, आई विल स्ट्रेट अवे गिव इट अ 0 स्टार। ना तो उनकी टीम हेल्पफुल थी, ना जो टेक्नीशियन आ रहा था वो देख रहा था सब चीज़ें, एडमिट भी कर रहा था, बट यहाँ पे आके वो मेरे पास सामने कुछ और बोलता था और वहीं पे अपने ऑफिस में जाके कुछ और ही रिपोर्ट सबमिट करता था। मशीन ओपनिंग के टाइम इंस्टॉलेशन पे आप ध्यान से देखना, मशीन के अंदर पानी था, इसके डोर के ऊपर पानी लगा हुआ था, नीचे बॉटम पे भी पानी था जहाँ पे ड्रेन पाइप होती है। मशीन्स में, सील्ड पैक मशीन्स में ऐसा नहीं होता है। सो व्हाट आई एम गेसिंग इज कि मेरे पास यहाँ पे रीफर्बिश्ड प्रोडक्ट आया था जिसको ठीक करके आगे दोबारा सेल ऑफ कर दिया गया था ऑन द वेबसाइट। सैमसंग ने मेरी कंप्लेंट को 2 से 3 महीने लगाए, उनका कोई रिजोल्यूशन मेरे को नहीं मिला, और साथ ही साथ मैंने इस मशीन के लिए फुल पेमेंट करी है, जो कि फुल पेमेंट होती है, नॉट रीफर्बिश्ड प्रोडक्ट के लिए पेमेंट होती है, एज अ फ्रेश प्रोडक्ट के लिए पेमेंट होती है। अगर आप इनकी पार्ट्स की क्वालिटी देखोगे, ये जो फनल है जिससे सॉल्ट फिल करते हैं, ये इतना ज़्यादा चीप प्लास्टिक है कि गलती से अगर आपने इसको ज़ोर से दबा दिया ये क्रैक हो जाएगा, इतना ज़्यादा चीप प्लास्टिक है इसका। जो भी अब मैं आपको वॉश क्वालिटी आगे दिखाने जा रही हूँ, या तो मैंने इंटेंसिव साइकिल यूज़ किया या फिर मैंने ऑटो साइकिल यूज़ किया, जो कि मैक्सिमम डिशवॉशर्स में यूज़ करते हैं हम लोग मोस्टली डिशवॉशर्स में एक्सप्रेस साइकिल्स यूज़ करते हैं जो कि शॉर्ट साइकिल होता है, बट उससे भी हमें क्वालिटी अच्छी मिलती है। इस तरीके से आप इसमें सॉल्ट रीफिल कर सकते हैं, 1 किलो का सॉल्ट ये आराम से ले लेता है, और मुझे जो फील हुआ है मेरे पुराने डिशवॉशर के मुकाबले, या जो अभी मैं डिशवॉशर यूज़ कर रही हूँ उसके मुकाबले, ये सॉल्ट ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था। 1 महीने 2 वीक्स या 3 वीक्स के बाद मुझे दोबारा एक पैकेट सॉल्ट का फिल करना पड़ता था नॉर्मली, जो कि डिशवॉशर में हम मंथ में 1 ही करते हैं। आपको कैसा लगेगा जब आप एक वॉशिंग मशीन लेते हो कपड़े धोने के लिए, और जब आप उसका रिजल्ट देखते हो कि आपके कपड़े तो साफ धुले ही नहीं है, आपको कैसा फील होगा? कुछ ऐसा ही फील हुआ मुझे ये डिशवॉशर यूज़ करने के बाद। जी, मैंने अलग अलग तरीके के इसमें चीज़ें डाल के धोई हैं, ये आप देख रहे हैं। एक प्लास्टिक का रैक है जो डिसमेंटल हो जाता है, उसको भी मैंने डिशवॉशर में वॉश किया है, हो जाता है, दाग वाग नहीं उतरते, बस मिट्टी विट्टी उतर जाती है।
इन द मेन टाइम जब तक ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है अपने अंदर बर्तन देख लेते हैं। सो इस टाइप के अभी मेरे पास स्टील के बर्तन हैं, इनको मैं पहले से ही प्री सोक करके रख रही हूँ। आप कंडीशन देख लीजिए जो कि आपको आगे पता चलने वाला है। सरसों का तेल हम लोग अपनी सब्जियों में यूज़ करते ही हैं, तो उसका कुछ एक रिंग भी बनता है। अब जौन से बर्तन आपको डिश वॉशर में नहीं रखने हैं, इस प्लास्टिक वेयर, चीप प्लास्टिक। आयरन के बर्तन आप रखोगे तो उनमें रस्ट आ जाएगी, और साथ ही में अगर आप उसमें एल्यूमिनियम के बर्तन रखते हो, कुकर या केक टिन, तो इस तरीके से वो काला हो जाता है। इस डिश वॉशर को क्लीन रखने के लिए एवरी 15 डेज में मैं यहाँ पे एक कप विनेगर इसमें डाल देती थी। जैसे ही साइकिल चल रहा, थोड़ा सा मिड साइकिल में पहुंच जाओ, तो मैं विनेगर उसमें एक कप के करीब डाल के दोबारा से वो साइकिल अपने आप ही रिज्यूम कर लेता है। पावर कट भी होती है तब भी वो साइकिल वहीं से रिज्यूम करता है जहां पावर कट हुई थी। अब यहां पे आप रिंस एड भी देख रहे हैं, सॉल्ट भी देख रहे हैं, नहीं है बट टैप है इसमें, तो मैंने रीफिल नहीं किया हुआ। आगे अब जो देखने वाले हैं आप, ये यूज़र एक्सपीरियंस है स्ट्रेट आउट ऑफ द सैमसंग डिश वॉशर, और ये है इसकी वॉश क्वालिटी। आई होप इन सब चीज़ों से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आगे और भी फोटोज़ वीडियोज़ आने वाली हैं, स्टे ट्यून, देखते रहिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अगर कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। आगे जो आप फोटो वीडियोस देख रहे हैं वो सब वही वीडियोस हैं जो टेक्नीशियन यहाँ से क्लिक करके जाता था, बट वहाँ पे जाके उनका डिसीजन कुछ और ही हो जाता था। सो ये है रियल इमेजेस ऑफ द वॉश क्वालिटी ऑफ द सैमसंग डिश वॉशर। मॉडल नंबर क्या है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और एज वेल एज टाइटल में भी होगा। तो जी, इनका रवैया ये था कि भाई आपने परचेज़ किया है, आगे आप ही संभालो, हमारी मशीन में सब कुछ ठीक है बिकॉज हमारी जो चेकलिस्ट है उसमें सब कुछ टिक मार्क है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स लाइक कि भाई आपने फ़ोन ले लिया, फ़ोन से आप बेसिक कॉल ही नहीं कर पा रहे हो, फ़ोन आपका कॉल करने के लिए यूज़ ही नहीं हो रहा है, बट स्टिल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो विद दिस आई एंड द वीडियो, एंड आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिली होगी। कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, ज़्यादा क्रिप करके कोई फ़ायदा नहीं है। और अब जो मैंने नया डिश वॉशर लिया उसकी वीडियोज़ भी आगे आती रहेंगी। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए लाइव अपडेट्स के लिए। और अगर आपको ये डाउट है कि मैंने इसमें फिनिश का डिटर्जेंट यूज़ नहीं किया, जैसा कि टेक्नीशियन ने भी मुझे बोला था कि आप फिनिश का डिटर्जेंट यूज़ करके देखो, वॉश क्वालिटी बहुत सुप्रीम है इसकी, तो मैं सारे टाइप के डिटर्जेंट इसमें यूज़ करके दे चुकी हूँ। ये एक्चुअली वही बात है कि अगर आप प्रिल से बर्तन धो रहे हो तो विम से आपके बर्तन अच्छे साफ़ नहीं धुलेंगे। सो ऐसा नहीं है, डिश वॉशर में हर डिटर्जेंट बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने जो इस मुझे जो अच्छे रिजल्ट मिले इस डिश वॉशर में, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में आने वाले, क्या मेरे साथ काम किया इस डिश वॉशर से काम अच्छा निकालने के लिए। सैमसंग डिश वॉशर का यूज़र रिव्यू अच्छा लगा, इंडियन किचन के लिए कैसा काम करता है ये ऑनेस्ट रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया, अच्छा लगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। भैया इसमें तो लो लोड भी वर्क नहीं कर रहा है, इसमें वर्क क्या करता है ये बताओ।
सच्ची बोलूंगी, इतनी महंगी मशीन जब काम नहीं करती ना तो दिल तो दुखता है यार, पैसे कोई कम नहीं लगे इसमें।